इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन विद मोर नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो पुरानी वीडियो में हमने क्या देखा, लेस नंबर के साथ देखा, अब हम क्या करेंगे मोर नंबर के साथ एक एग्जांपल देखेंगे। तो आप क्या कीजिए, एक फंक्शन क्रिएट कीजिए, ठीक है, फंक्शन, फिर इसका नाम लिख लीजिए मोर आर्क्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं नेम, और पैरेंथेसिस में आप क्या लिखिए नेम एच, दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा बिजनेस लॉजिक रहेगा, तो हम एक वेरिएबल आउटपुट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट नाम का लिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक स्ट्रिंग लेंगे योर नेम इज, और नेम को कॉन्केट कर देंगे सबसे पहले, फिर एक और स्ट्रिंग लेंगे हम योर एज इज, एज इज के बाद में क्या करेंगे हम इसमें एज को भी कॉन्केट कर देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर हमने ऐड किया नेम और एज, अब इसे प्रिंट करा देंगे कंसोल डॉट लॉग ऑफ आउटपुट, ठीक है, आउटपुट नाम का जो वेरिएबल है हमारा उसे प्रिंट करेंगे हम। अब क्या करना है आपको, कॉल करना है इस फंक्शन को, तो क्या नाम है हमारे फंक्शन का, मोर आर्क्स। तो ये फंक्शन हम कॉल करेंगे सिंपली, पहले इस फाइल को सेव किया और ओपन इन अदर ब्राउजर और फायरफॉक्स, इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और कंसोल पे आएंगे आप। तो देखिए योर नेम इज अनडिफाइंड, योर एज इज अनडिफाइंड, तो हम दोनों भी दे देते हैं पहले, ठीक है, पैरामीटर। यहाँ पे मैंने दिया आई एम आर के 86 कॉमा। अब क्या कर सकते हैं आप, नंबर के लिए आपको कोटेशन की जरूरत नहीं है, आप नंबर डायरेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा 20, ठीक है। अब वापस से फाइल को मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा नेम आई एम आर के 86 और एज 20, ठीक है, ये आ चुका है। अब मोर आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे एक और आर्ग्यूमेंट्स दे देता हूँ और यहाँ पे 10,000 कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया। अब फाइल में आके वापस से सेव करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कुछ भी नहीं, हम मोर आर्ग्यूमेंट देते हैं लेकिन हमारे पास क्या है, पैरामीटर दो ही है, तो डिस्प्ले पैरामीटर कितने होंगे, सिर्फ दो। आप इसमें कितना भी कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं एक और यहाँ पे स्ट्रिंग पास करा देता हूँ हेलो, वापस से फाइल में आके इसे सेव करता हूँ और ब्राउजर पर प्रिंट करता हूँ, तो देखिए कुछ भी शो नहीं होगा, सिर्फ हमारा नेम और एज तक के ही शो कर रहा है। तो ये क्या होता है, अगर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रह रही तो यहाँ पे ही आपको एरर दे देता था।